दोस्तों आपने साल 1998 में आई फिल्म तेजाब तो देख ली होगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट फिल्म रही थी। और इस मूवी में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित लीड रोल में नजर आए थे। आपको बताते चले कि ये एक आइकॉनिक मूवी रही थी, जिसमें कि बहुत ज़्यादा एक्शन देखने को मिला था। वहीं आपको बताते चले कि ये उस समय की बहुत बड़ी फिल्म मानी जाती है। आपको बताते चले कि अभी इसके सीक्वल यानी तेजाब 2 को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, तेजाब 2 जो कि बहुत बड़ी मूवी होने वाली है, मेकर्स इस मूवी को बड़े स्केल पर बनाना चाहते हैं। आपको बताते चले कि बीते साल खबर आई थी कि इस मूवी में हमें रणबीर सिंह और जाह्नवी कपूर लीड रोल में नजर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बताते चले कि अब जो अपडेट सामने आई है वो बहुत बड़ी अपडेट है। आपको बताते चले कि इस मूवी में कार्तिक आर्यन ने रणबीर सिंह को रिप्लेस कर दिया। जी हाँ दोस्तों, इस बारे में कार्तिक आर्यन इस मूवी में नजर आने वाले। आपको बताते चले कि तेजाब मूवी जो कि बहुत बड़ी मूवी रही थी, और इस बार इसके सीक्वल यानी तेजाब 2 में हमें बहुत अच्छी स्टार कास्ट देखने को मिलने वाली है। जहां पहले खबरें थी कि रणबीर सिंह के अपोजिट हमें जाह्नवी कपूर देखने को मिलेगी, तो अब खबरें आ रही है कि कार्तिक आर्यन के अपोजिट हमें श्रद्धा कपूर देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये जोड़ी हमें पहली बार एक साथ देखने को मिलेगी और ये बहुत बड़ा धमाका करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि मूवी के प्रोड्यूसर मुराद खेतानी के पास इस मूवी के सारे राइट्स है, और आपको बताते चले कि वो इस मूवी को जल्दी बनाना चाहते हैं। और उन्होंने पहले भी एक इंटरव्यू में कह दिया कि मैं इस मूवी को फ्रेश स्टार कास्ट के साथ बनाना चाहता हूँ। तो दोस्तों आपको बताते चले कि इस मूवी की अनाउंसमेंट जल्दी होने वाली है, और 2023 में इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो भाई लोग, आपको कैसी लगती है तेजाब मूवी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप सभी को तेजाब की सीक्वल ने तेजाब 2 की स्टार कास्ट कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। ना भूले मिलता है और ऐसे अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।